हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है हमारे चैनल एस कंस्ट्रक्शन एंड टेक में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अब बात करते हैं प्लान की। आज का हमारा जो प्लान है स्मॉल हाउस प्लान है। प्लॉट साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो हमारी प्लॉट साइज़ 17 फीट बाय 20 फीट है। अगर इसको अगर हम स्क्वायर फीट में बात करेंगे 340 स्क्वायर फीट होगा। अगर हम इसमें गज में बात करेंगे तो 38 गज होगा, यानी 38 गज। अब बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। रिक्वायरमेंट्स से बात करेंगे इस पे क्या है। वन बीएचके साथ में हमने बाइक पार्किंग दे रखी है। फेस डायरेक्शन क्या हमारी, फेस डायरेक्शन हमारी ईस्ट, यानी जो फेस होगी वो ईस्ट की तरफ रखी है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यानी अगर आपको अपने घर के नक्शे से बनवाना हो तो आप हमें इस पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, यानी ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपको प्लान में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप इस पर हमें फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं वीडियो की। आपको मैं आपको बताऊंगा वीडियो की लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक मंजिल बनाने में कितने खर्चे आएंगे, नंबर्स ऑफ कॉलम कितने प्रोवाइड होंगे, कॉलम साइज़ क्या रहेंगे। तो दोस्तों ये हमारा 17 बाई 20 का प्लान जो है हमारा। इसके अंदर देखते हैं हमने क्या क्या दे रखा है। ड्राइंग एरिया है, बेडरूम दिया हमने, किचन है, ओटीएस दे रखा हमने, सेपरेट टॉयलेट एंड बाथरूम दिया है, स्टेयर्स दी है फर्स्ट फ्लोर के लिए। ये हमने ये आपको मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखिए ये हमारी ड्राइंग एरिया है, यह हमारा बेडरूम दे रखा है, यहाँ से हमने किचन के अंदर आ जाना है, यहाँ हमने ओटीएस दिया है, जो भी इसके स्मेल होंगे इसके थ्रू पास आउट हो जाएंगे। सेपरेट हमने एक बाथरूम दिया है जो कि ड्राइंग से अटैच है यहाँ पर, और सेपरेट हमने टॉयलेट दिया है, यानी जो भी इस ड्राइंग की बाथरूम के जो भी स्मेल होंगे, यहाँ हमने वेंटिलेशन दे रखा, जो भी इसके स्मेल होंगे इसके थ्रू पास आउट हो जाएंगे। यहाँ हमने भी एक वेंटिलेशन दिया है, तो ये यहाँ से इसमें आके इसमें वापस इस बाहर आउट हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, यहाँ हमने स्टेयर्स दी है, यहाँ से हमने अंदर आना। ये यहाँ स्टेयर्स, यानी यहाँ हम एक बाइक पार्क कर सकते हैं। यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर के लिए हम जाएंगे, यहाँ हम एक बाइक पार्क करके लगा सकते हैं। यहाँ हमने फर्स्ट फ्लोर के लिए ऊपर आना है, यहाँ बाइक पार्क करके हम लगा सकते हैं। आगे आते हैं यहाँ किचन एरिया की साइड। ये हमारा किचन एरिया है, यहाँ से हमने किचन एरिया में एंट्रेंस करना है। ये किचन एरिया है जिसकी डायमेंशन है 5 फीट बाय 6 फीट 3 इंच की हमने दी है। यहाँ हमने एक विंडो दी है 3 फीट वाइड, हमने एक वीडियो दी है, जो भी इसके स्मेल होंगे इसके थ्रू पास आउट हो जाएंगे। बिकॉज यहाँ हमने एक ओटीएस दे रखा है, ओपन एरिया है जिसकी डायमेंशन हमने कह रहे हैं 3 फीट बाय 5 फीट हमने ओटीएस दे रखा है, जो भी सारे इसके स्मेल होंगे इस विंडो के थ्रू इधर बाहर आके बाहर पास आउट हो जाएंगे। अब दोस्तों आते हैं अब हम ड्राइंग एरिया में। तो यहाँ से हमने इंटर करना है ड्राइंग एरिया में, यानी ये हमारी ड्राइंग एरिया है। इसमें हमने सेपरेट टॉयलेट दे रखा है, सेपरेट बाथरूम दिया है। ड्राइंग की जो हमने विंडो दे रखी है उसकी 4 फीट वाइड विंडो है, यानी जो भी इसके अंदर लाइटिंग आएंगे इस विंडो के थ्रू आ जाएंगे। यहाँ हमने टॉयलेट दिया है, सेपरेट टॉयलेट है, इसमें हमने एक वेंटिलेशन दी है, जो भी इसकी स्मेल होंगे इसके थ्रू पास आउट हो जाएंगे। यहाँ हमने जो इसके डायमेंशन हमने क्या रखी है 3 फीट 4.5 इंच बाय 4 फीट 5.5 इंच हमने इसकी डायमेंशन दी है। अब बात कर लेते हैं बाथरूम की तरफ। तो यहाँ से हमने बाथरूम में आ जाएंगे, ये हमारे बाथरूम में आ गए। यहाँ भी हमने एक वेंटिलेशन दी है, जो भी सारी इसकी स्मेल होंगे इसके थ्रू इधर पास आउट हो जाएंगे। बाथरूम की हमने क्या डायमेंशन रखी है 3 फीट 4.5 इंच बाय 4 फीट 5.5 इंच हमने इसकी डायमेंशन रखी है। अब बात कर लेते हैं ड्राइंग एरिया की डायमेंशन की। ड्राइंग एरिया की जो डायमेंशन है 7 फीट 1.5 इंच बाय 9 फीट 3 इंच की हमने ड्राइंग एरिया की डायमेंशन दी है। अब ड्राइंग एरिया से हम बढ़ते हैं दोस्तों किधर, बेडरूम की तरफ। तो ये है हमारा दोस्तों बेडरूम। यहाँ से हमने अंदर आना है बेडरूम की तरफ। यहाँ हम एक विंडो दे सकते हैं जिससे हमारी लाइटिंग आएंगी, जो भी वो होंगे इसके थ्रू आ जाएंगे। अब बात करते हैं डायमेंशन पर, यानी बेडरूम की जो डायमेंशन क्या है 9 फीट 7.5 इंच बाय 10 फीट 10.5 इंच, यानी ये इसकी डायमेंशन दे रखी है रूम की। यहाँ से हमने एक ओटीएस दिया है, जो भी इसकी यहाँ हमने एक विंडो देखी है 2 फीट वाइड हमने एक विंडो दे रखी है, जो भी इसकी स्मेल होंगी या जो भी लाइटिंग वाइटिंग आएंगे इसके अंदर से इसके थ्रू पास आउट हो। यहाँ हमने एक ओपन एरिया दिया है, इसके थ्रू पास आउट हो जाएंगे।
तो ये था दोस्तों 17x20 का प्लान। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा इसमें एक मंजिल बनाने के कितने खर्चे आएंगे, नंबर्स ऑफ कॉलम कितने प्रोवाइड होंगे, कॉलम साइज़ क्या रहेंगे। तो अब बात करते हैं खर्चे पर। तो दोस्तों जैसा कि मैं बताया था कि इसके एक मंजिल बनाने में कितने खर्चे आएंगे, तो आपको ये बताता हूँ कि मैं एक इसके एक मंजिल यानी टोटल जो कॉस्ट होंगे, यानी कि एक मंजिल बनकर कंप्लीट तैयार जो होगा 5 लाख, यानी 5 लाख्स में आपके एक मंजिल 17x20 के आपके तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं नंबर्स ऑफ कॉलम कितने प्रोवाइड होंगे। तो नंबर्स ऑफ कॉलम कितने होंगे, 9 कॉलम प्रोवाइड होंगे। अब जो कॉलम प्रोवाइड होंगे इसकी साइज़ क्या होगी, 9 इंच बाई 9 इंच कॉलम होंगे। अब बात करते हैं इनर वॉल क्या होगी, इनर वॉल कितने होंगे, 4 इंच की, आउटर वॉल भी 4 इंच की होंगे हमारी। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको प्लान अब हमसे बनवाना हो, अपने घर के नक्शे बनवाना हो, तो आप हमें इस पर मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, AS कंस्ट्रक्शन एंड टेक्स है। अगर आप प्लान में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप हमें इस पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।